इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ऑन चौधरी ने पीटीआई पर पाबंदी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्तेहकाम-ए-पार्टी के रहनुमा ऑन चौधरी की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। रहनुमा इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी ने यह दरख्वास्त दायर की है। ऑन चौधरी ने जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की है और पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। ये जाती हैसियत में ऑन चौधरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की गई है। रहनुमा इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी ने दरख्वास्त दायर कर दी है। साबिक रहनुमा हैं ये पीटीआई के और रहनुमा इस्तेहकाम-ए-पार्टी हैं अब ऑन चौधरी, जिन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है पीटीआई पर पाबंदी आयद करने के लिए। पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। ऑन चौधरी ने जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की है। इसी पर बात करेंगे, अफजल हमारे साथ मौजूद है। अफजल जावेद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, देखें, इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अन चौधरी ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रजू कर लिया है और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस दरख्वास्त में मौका तैयार किया गया कि पीटीआई की जो सरगर्मियाँ हैं वो खिलाफ़ कानून है। पीटीआई की क़यादत की तरफ से कौमी इदारों और शुहदा की यादगार पर हमले किए गए हैं। रियासत और मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों की बुनियाद पर पीटीआई पर पाबंदी आयद की जाए और इस पटिशन में अस्की जो कानून के खिलाफ जो चेयरमैन पीटीआई के बयान और पर वजीर दफा का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए खतूत, इमरान खान के बयान और जो इमरान खान की जानिब से ट्वीट किए गए हैं उसको भी इस पटिशन का हिस्सा बनाया गया है। जी, इदारों शोधा की यादगारों पर हमले को भी पाबंदी का जवाब बनाया गया है। पीटीआई के खिलाफ कानूनी सरगर्मियों का भी जवाब बनाया गया है। इस बारे में अपडेट कर रहे थे अफजल जावेद, बहुत शुक्रिया आपका।